बिस्मिल्ला नंबर चार जक़ात इस्लाम के पांच अरकान में से जक़ात को बड़ी अहमियत हासिल है उसके मतलब आमतौर तो पर कहा जाता है कि जिस माल पर एक साल गुजर जाए उसमें से अढ़ाई फीसद खुदा के नाम पर दे देना जकआत है अगर जक़ात यही है तो इसमें और खैर में क्या फर्क है और अगर ज़क़ात हकूमत को दी जाती थी तो इसमें और हकूमत के टैक्स में क्या फ़र्क है इसे ज़रा वजाहत से समझाएँ ताकि ये खलिश दूर हो जाए जवाब लफ्ज़ ज़क़ात का मादा जे काफ वाओ है जिसके मायने हैं बढ़ना फूलना फलना नशोनमुमा पाना ज़क़ात के मायने नशोनमा बालिदगी फूलना फलना बढ़ना कुरान करीम में सलात और ज़कात के अल्फाज बार बार आए हैं और बड़ी ताक़ीद के साथ आए हैं ज़कात के मायने हुए ज़कात दो लफ्ज़ ज़कात के मायने ऊपर दिए गए इनकी रोशनी में सोचिए कि ज़कात देने से मुराद क्या होगी यही कि दूसरों की नशोनुमा और बालीदगी का सामान बहम पहुँचाओ यानी जमात मुमिन का बुनियादी फरीजा ये है कि नोए इंसानी की नशोनुमा और बालीदगी का सामान बहम पहुँचाएँ वो ऐसा इंतज़ाम करे जिससे अफराध नस्ल इंसानी की सलाहियतों की नशो नमा होती चली जाए इसमें इनकी तबई ज़िंदगी की सलाहियतों की नशोनमा भी शामिल है और इंसानी ज़िंदगी की नशोनुमा भी यानी इंसानी जिसम की परवरिश भी और इंसानी ज़ात की और औरतिका भी जमात ममिन की तरफ से ये फरीजा उनका निज़ामक अदा करता है यही वजह है कि कुर करीम में आया है अलजीना इम फिल फिलद अकामत व आता वज़ात बाईस बटा इकतालीस यानी ये वो लोग हैं कि जब उन्हें मुल्क में तमक्न हासिल होगा तो ये निज़ाम सलात क़ायम करेंगे और इतः जक़ात का इंतज़ाम करेंगे आपने गौर किया कि कुरान ने इत जक़ात को हुकूमत इस्लामी का फरीज़ा करार दिया है इससे ज़ाहिर है कि ज़क़त खैरात का नाम नहीं खैरा हम इनफरादी तौर पर हर हालत में दे सकते हैं इसके लिए अपनी हकूमत की शर्त नहीं हम अंग्रेज़ों की हकूमत के, के ज़माने में भी खैरात देते थे अब हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं की हकूमत में भी खैरात दे सकते हैं और देते हैं ईताई जक़वात के लिए अपनी हकूमत की शर्त ज़क़ात की हकीकत को वाज कर देती है अब सवाल यह है कि इस्लामी हकूमत अपने इस अजीम फरीजे यानी नंसानी को नशोनमां बहम पहुँचाने के फरीज़े को अंजाम किस तरह से देगी इसके लिए जाहिर है कि सबसे पहले जरा पैदावारकूमत की तहवील में रहने चाहिए ताकि वो इस पैदावार रिस्क को जरूरतमंदों की नशोनुमा के लिए सर में लाए दूसरी ये केफाद माशरा जिस कदर कमाएं वो इस तरह खुला रखें कि उनकी जरूरियात पूरी होने के बाद ममलिकत इसमें से जिस कदर ज़रूरत समझे इतज दूसरों की नशोनमुमा के लिए ले लें इस मकसद के लिए कुरान करीम ने ना कोई शरह मुकर की है ना निशाब इसमें सवाल ज़रूरत पूरा पूरी करने का है हती कि इसने यहाँ तक कह दिया है कि अपराध के अपनी ज़रूरियात पूरी होने के बाद जिस क़दर फाजिला हो वो सबका सब, सब ममलिकत की तहवील में जा सकता है ताकि वो इससे दूसरों की नशोनुमा ज़क़ात का इंतज़ाम करे देखिए दो बटा दो सौ उन्नीस लेकिन ज़ाहिर है कि इस कस्म का निज़ाम ममलिकत बदरीज कायम होगा जिस अरसे में ऐसा निज़ाम हानूज ज़र तश्कील हो इसमें जमात ममिन से आज की असलाह में चंदे और अती लिए जाएंगे इसके लिए कुरान ने सदक़ात की अतला इस्तेमाल की है ये था ज़कात से मफहम इस्लामी निज़ाम हकूमत में लेकिन जब वो निज़ाम बाकी ना रहा दीन और सियासत में जुदाई पैदा हो गई जकवात का कुरानी मफह यानि नोए इंसान को सामान्य नशो देना निगाहों से ओझल हो गया हकूमत ने अपने टैक्स वसूल करने शुरू कर दिए और मजहबी पेशवाइत ज़कवात के नाम से अपना टैक्स वसूल करने लग बाकी रहे गरीब और मोताजो उनके लिए अमीर आदमियों को खैर तलकिन तलकिन होने लगी चुनाचे यही सिलसिला अब तक जारी है लोग हुकूमत के टैक्स अलग देते हैं सालाना ज़क़ात अलग और खैरत इन दिनों दोनों से अलग हती कि कुरान करीम ने जो बातें सदक़ात के मुतालिक कही थी वो जकात के मतलब समझ ली गई हैं मसला आमतौर तो पर कहा जाता है कि कुर करीम ने जकवा़त के आठ मसारिक बयान किए हैं हालांकि वो मसारफ सदक के हैं ज़कात के नहीं हैं छः बटा साठ बाला से ये हकीकत वाज हो गई होगी कि इस वक्त या तो हुकूमत के टैक्स हैं और या खैरत हो उसे मुतिन तौर पर ज़कात का नाम दे दिया जाए यह अगर मुती तौर पर सदक़ा और खैरत ज़कात यानी अफराध माशरा को सामान्य नशोनमुमा बहम पहुँचाना ना हकूमत का फरीजा समझा जाता है ना आवाम का इस्लामी निज़ाम हकूमत में जक़ात देना हकूमत का फरीजा होगा और इस मकसद के लिए अपराधी जमात ममिनिन अपनी ज़रूरियात से ज़ायद सब का सब दूसरों के लिए खुला रखेंगे कि इसमें से जिस कदर ज़रूरी हो इस मकसद के लिए सर्फ कर दिया जाए इस वक्त इफरादी खैरात की ज़रूरत नहीं रहेगी खैर लेने वाले का शर्फ इंसानियत कुचला जाता है लेकिन जब इत्या ज़क़त इस्लामी निज़ाम का फरीजा करार पाता है तो हर शख्स उसे बतौर अपने हक़ के लेता है और किसी का किसी पर एहसान नहीं होता कुरान को कोबूरी दौर की ज़रूरियात के लिए हंगामी और वक्ती इलाज बताता है और ज़क़ात को इस्लामी निज़ाम का बुनियादी फरीजा और लाजमी शुार ये है ज़क़ात की हकीकत अजरु कुरान शा खैरा सवाल दरियाफ़त किया गया है कि जिस तरह हम आजकल खैरात के पैसे बांटते हैं इससे कुछ फ़ायदा भी है जवाब कुरान करीम में यहूदियों के मुताबिक है कि वो पहले अपने आयज़ा और अकर्रबा को गैरों की असीरी में दे देते थे और फिर उनकी तरफ से फिदिया अदा करके उन्हें कैद से छुड़ा लेते और उसे बहुत बड़ा कार्य खैर समझ कर अपनी निजात का कर जरिया करार देते थे बाय ये हालत मुसलमान सरमायादारों की है ये लोग दूसरों का खून चूस कर ख़ुद अमीर बनते और उन्हें गरीब और मोहताज बना देते हैं फिर उनकी तरफ खैरत के चंद पैसे फेंक कर मतमईन हो जाते हैं कि इस कार्य सवाब से उनकी आकबत समझ जाएगी यानी जिस तरह हमारी मत तस्वुफ़ में जो शायरी है उसमें गुनाह को इसलिए ज़रूरी समझा जाता है कि अगर गुनागार न रहेंगे तो खुदा की सफ़तः गफूर रहीमी का मुजाहरा किस तरह से होगा इसी तरह कौम में गरीबों और मोताजों की मौजूदगी को ज़रूरी करार दिया जाता है कि अगर गरीब ना रहेंगे तो फिर खैर के अहकाम की तामील किस तरह से होगी गौर कीजिए निज़ाम सरमायादारी के जरासम का असर किस कदर दूरस होता है इस्लाम जिस निज़ाम को नाफिस करना चाहता है उसमें हर शख्स की जरूरियात ज़िंदगी की किफालत हुकूमत के ज़ुमे होती है लिहाजा इस निज़ाम में मोताजों की जमात का मुस्तकिल वजूद तस्वूर ही में नहीं आ सकता अलबत् बाज़ इनफरादी और मकामी सूरतें ऐसी पैदा हो सकती हैं कि इनमें फौरी इमदाद की जरूरत पड़ जाए या बाज़ हंगामी हवादीस ऐसे रूना हो सकते हैं जिनमें खुद हकूमत को इस किस्म की ज़रूरियत लाक हो जाए और वो रोजाकारा तौर पर कोई फंड इकट्ठा करने की अपील कर दे लेकिन इस किस्म के वाक़त शाज होंगे आम हालत यही होगी कि मुल्क में हुकूमत का निज़ाम मोताजों की खुद किफालत करेगा लिहाजा इस्लाम में आम खैर चैरिटी की ज़रूरत या तो ऐसे अबूरी दौर में पड़ेगी जब आपका निज़ाम हनूज बरोए का ना आया हो यह बस मकामी और हंगामी हवाली के लिए गरीबों और मोताजों की जमात का मुस्तकिल वजूद और फिर उनकी तरफ खैरत के टके फेंक कर उसे अपने लिए का काम तस्वुर करना इस्लामी निज़ाम में बार नहीं पा सकता ये सरमायादारी निज़ाम का फरेब निगाह है जिसे मजहबी तकदस के खुश आइंद गलाफ में छुपाया जा रहा है और इसका नतीजा वही हफ्ते आम की तफसीर यानी इस तमाम सदकों और खैरत के बावजूद कौम में मोताजों गरीबों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और तादाद के अलावा गुर्बत और एहतियात की शद्दत भी बढ़ती जा रही है और ये सब इस सरमायादारी कि गैर कुरानी निज़ाम की बदौलत है जो हमारे यहाँ हर जगह राइज है वो जिसे बदलने के लिए कोई तैयार नहीं इसलिए कि उसे शरीयत की सनत अदा कर दी गई है उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी सदकातुल्फित्र सवाल एक साहब का इसतफसार है कि सदकातुल्फित्र की शर हैसियत क्या है जैसा कि तुल्ले इस्लाम में लिखा जा चुका है सदका उन अतियात वगैरह का नाम है जो हकूमत इस्लामिया की तरफ से हंगामी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं इन्हीं में सदका फ़ितर है जिसे रसूल सल्हु वसलम ने उस जमाने में आयद यानी हिजरत के फौरी बात रोज़े दो हिजरी में फ़र्ज हुए जब अभी इस्लामी हकूमत अपने मनम शक्ल में वजूद में नहीं आई थी और मुसलमानों को कदम कदम पर हंगामी ज़रूरत पेश आ रही थी कुरान में का खसूसियत से जिक्र नहीं इसलिए कुरान में सदक़त का हुक्म असूली तौर पर दिया है जुजियात मुतिन करने का काम हर जमाने की इस्लामी हकूमत पर छोड़ दिया गया है अगरचे जैसा के ऊपर लिखा गया सदका फितर उस जमाने में आयद किया गया जब अभी मुसलमानों में इज्तमाही निज़ाम हकूमत की शक्ल में मुतन नहीं हुआ था बाई हम तारीख इसकी शहादत देती है कि इस ज़माने में भी ये उमर इनफरादी नहीं इजाही हुआ करते थे हकीकत यह है कि इस्लाम दीन है और दीन आइनी निज़ाम ज़िंदगी हमेशा इजमाही होता है इनफरादी नहीं खुद सदका फितर के मतलब तारीख में है कि लोग सदका फितर अपने अपने तौर पर नहीं देते थे बल्कि इन आमलिन के पास जमा करते थे जिस मकसद के लिए मुकर किए जाते थे इसके बाद मरकज़ से इसकी तकसीम होती थी चुनाच तिबरी में भी यह है कि नबी अक्रम सली वम ने हजरत अबू बुरे रजी अल्लाह तु इस मकसद के लिए आमिल मुकरर किया था चूँकि ये तरीक़ा इस्लाम की इज्जी रूह के मुताबिक मत, है, इसलिए बावर किया जा सकता है कि वसल्लम के ज़माने में सदक़ा फितर का यही निज़ाम राइज होगा लेकिन अब हमारी लामरकजियत का ये आलम है कि सदक़े के वजूब की ताक़ीद में हर महराब और मम्बर से आवाज़ें बुलंद होंगी लेकिन आपने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि सन्नत रसोल्ला ये है कि इस सदक़े को एक मरक़ पर जमा किया जाए और फिर उसकी तकसीम मरकज़ मिलत की तरफ़ से हो अब सुनत रसोल्ला का सिर्फ इतना हिस्सा पेश किया जाता है कि नमाज से पहले सदका फितर निकाला जाए और इसे अपने अपने तौर पर गरीबों में तकसीम कर दिया जाए अगर ऐसा ना किया जाएगा तो रोज़े मलक रह जाएंगे और फरमाया आपने कि बात क्या थी और क्या बन गई रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही आज सारे आलम इस्लामिया को छोड़िए एक पाकिस्तान को लीजिए यहाँ सात करोड़ मुसलमानों में से अगर छः करोड़ भी ऐसे फ़र्ज़ कर लिए जाएं जिनकी तरफ़ से सदका फ़ित्र दिया जाता है और फिर के बारह आने के हिसाब से इसका शुमार किया जाए तो ईद के दिन दस बजे से पहले पहले साढ़े चार करोड़ की रकम सिर्फ इस फंड में जमा हो सकती है जिससे और कुछ नहीं तो खानमा बर्बाद पना गुजीनों को छत तो नसीब हो सकती है लेकिन जब तक दीन की बाग मौलवी के हाथ में सदक़ात निकाल निकलते रहेंगे ज़क़़ात दी जाती रहेगी, कुर्बानियां होती रहेंगी लोग हज भी करते रहेंगे और कौम बदस्तूर बेघर बेदर भूखी, नंगी इस्लाम के माथे पर कलंक के टीके का मौज बनी रहेगी कितना बड़ा ही इंतकाम जो हज़ार बरस से इस्लाम से लिया जा रहा है वौर कीजिए कि, कि इस इंतकाम के लिए अलाकार किन लोगों को बनाया जाता है उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी में